देख सकते हैं फ्रेंड एकदम पूरा मेरा साग अच्छा से भुंजा गया है। कोनार साग इसी टाइप से भुंजाता। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसको बोलते हैं कोनार साग और ये साल में एक ही बार खाने के लिए मिलता है। तो जो झारखंड से देखते होंगे उन लोग को पता होगा कि ये कौन सा साग है, जो खाए होंगे उसको पता होगा। तो अभी देख सकते हैं, अभी मार्केट से लाया गया था कल ही शाम को, तो आज मैं इसको बनाऊंगी। तो हम लोग कैसे बनाते हैं कोनार का साग, तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो भी जो कावला कावला है, जो बड़ा बड़ा पत्ता है उसको नहीं डालेंगे, और जो छोटा छोटा पत्ता है बस वही सबको डालेंगे और इसको इसी तरह से तोड़ के बना। तभी मैं कावला कावला पत्ता जितना था उसको मैं साइड कर ली हूँ फ्रेंड, और बड़ा बड़ा पत्ता सबको मैं फेंक दी हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से धुल लूँगी। और ये साग को काटा नहीं जाता है, बस इसी तरह से बनाया जाता है, हाथ से ही तोड़ तोड़ के। और अभी मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी साग को। और इसको बहुत कोई कचनार के नाम से जानते हैं, हम लोग तो कोयनार के नाम से जानते हैं। तभी देख सकते हैं अभी साग अच्छे से मैं धो ली हूँ, तब इसको मैं अच्छे से निकाल लूँगी छान के। और इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और तेल भी डाल देती हूँ। और जितना भी लहसुन मिर्चा डालना है वो सबको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला जाता है, बस प्याज लहसुन और मिर्चा डालेंगे और टमाटर। तो अभी मैं मिर्चा को भी अच्छे से मैं खाली फाड़ फाड़ के दूंगी। तो इधर साग को भी अच्छे से धुल के एक प्लेट में मैं रख लेती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ पूरे साग को। तभी पूरे साग को भी मैं अच्छे से निकाल ली हूँ फ्रेंड। और निकालने के बाद इधर लहसुन प्याज मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में। और देख सकते हैं अभी प्याज भी अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, और प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है ये साग में। और मैं ये साग के बारे में क्या बताऊँ, ये साग बहुत ही ज़्यादा ही फायदेमंद होता है शरीर के लिए। और ये साग तो ऐसे बना ही रहे हैं हम, मगर इसका फूल और छाल ये सब शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, इसको कचनार के भी नाम से जाना जाता है। और बहुत ही गुणकारी मतलब साग है, और साल में एक ही बार मिलता है ये अप्रैल मई के महीना में। और जो कांवला कांवला रहता है सब कोई तोड़ के इसको सुखा के भी रखते हैं, काहे कि साल में एक ही बार मिलता है बोल के। और जब बीच में खाना रहता है तो जो सुखाया हुआ रहता है उसको फिर गर्म पानी में भिंगा के फिर से बनाया जाता है, और इसी तरह से टेस्ट वो साग में भी आता है। और अभी मैं टमाटर सब डाल दी हूँ, और डालने के बाद नमक डाल के इसको ढक दूँगी। और एकदम धीमा आँच में ही मतलब बनाना है। तो अभी देख सकते हैं इसको मैं ढक ढक के पकाऊँगी इस साग को, और बहुत ही अच्छा एकदम पक जाएगा। और ये साग खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सब गांव में ही मिलता है फ्रेंड, शहर टाउन में तो नहीं मिलता है। तो जब भी हम लोग गांव आते हैं तो ये सब हम लोग लाभ जरूर उठाते हैं, जो भी चीज़ शहर में नहीं मिलता है खाने के लिए। और ख़ास करके गांव घर का जो खान पान रहता है वो कुछ अलग ही टेस्ट आता है। कम तेल कम मसाले में भी कोई भी चीज़ बनता है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है। तो अभी देख सकते हैं इधर साग भी बन के रेडी हो गया है, और अभी सुबह सुबह मैं बना रही हूँ। और अभी इसके साथ आप दाल भी ले सकते हैं, दाल नहीं लेना है तो जो माड़ भात बोलते हैं यानी पानी भात, उसके साथ खाइए तो और भी टेस्टी लगता है ये साग। तो देख सकते हैं मेरा साग भी बन के अब रेडी ही होने ही वाला है। तो मैं वीडियो करती हूँ यहीं एंड फ्रेंड। और मेरा आज का कोयनार साग का रेसिपी कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और जब भी कोयनार साग कहीं भी आप लोग को मिलता है तो बना के ज़रूर एक बार खाइएगा कि कोयनार साग कैसा लगता है।